मौसम बन गया है ज़बरदस्त किस्म का मौसम बन गया है, सब कुछ गीला हो गया, पानी जमा हो गया काफ़ी। बारिश से जो है सब जो है निज़ाम बिल्कुल आउट हो गया। ओके लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या हाल है, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का दिन जो है संडे का दिन है और मामला कुछ ऐसा हो गया है, बारिश का जो है मौसम सर पे खड़ा हुआ है और हमारी अम्मा ने धो लिए कपड़े। अब वो टेंशन ले रही कि भाई अपने रस्सियों पे डाल दिया, बारिश होगा तो क्या, वो है टेंशन और हवा करना। आज बहुत सारे काम कर लिए, तो चलते हैं यार आप लोगों को बताते हैं कि संडे के दिन क्या क्या काम होता है। चलो भाई, ये अम्मा गई क्या? नहीं नहीं, बारिश तो मुझे लग रहा है कि साइडों से तो खुला हुआ है, लेकिन जो है ना ऊपर ही थोड़ा बहुत तीन चार बादल मुश्किल है, लेकिन बीच में अगर थोड़ी बहुत बरस गई जहाँ आपने कपड़े फैलाए हैं, अगर बरसेगी तो सिर्फ यहीं बरसेगी क्योंकि जहाँ जहाँ कपड़े धुले होते हैं ना वहीं वहीं बरसती है बारिश, उसके अलावा नहीं बरसती। चलो अब नीचे के काम देखते हैं, लाइट तो गई भी है। किधर जा रहा है तुम? हाँ तो ब्लॉग बनाने ही जाएगा और क्या करने जाएगा। हाँ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तुम लोगों ने संडे को एक दिन नौकर ढूंढ लिया हमें, हम बहुत सारे आ चुके हैं नीचे। ये सारा माल जो है मैंने अभी कटिंग किया है और ये सब कुछ फैला हुआ है, और नाश्ता भी 1 बजे किया था, और जो है मतलब पूरा घर भी जो है ना बहुत बुरी हालत हो रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है। और ये जो है सो के इसको टेंशन ही नहीं है, खाता पीता उसको रहता बस। अब जो है क्या काम करना है, चलो भाई हम अपना काम करते हैं, जेन्युइन काम जो हम करना है ये रखी हुई है हमारी सफाई करने वाली झाड़ू। अब इसको उठाएगा और हर जगह इसको मारेगा। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? छोटे कमरे से स्टार्ट करते हैं। ये पंखा चला नहीं, चला बने भाई, चलो स्टार्ट करेंगे अब इससे। कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन से कोने से स्टार्ट करूँ यार, ये वाले कोने से स्टार्ट कर लूँ? अब यार वहाँ तो पूरा हाथ भी नहीं जा रहा था, पूरा हाथ नहीं जा रहा, क्या करें। मैंने सोचा ये सीढ़ी रखी हुई है, इसको काम में ले लेते हैं, इसको काम में लेते, इसको लगा लेते यार। स्टूली बल्कि स्टूली काफ़ी है, स्टूल चाहिए तो स्टूल उठा लेता हूँ। सुबह वो काम फंस गया, स्टूल ही करें। और ये बिल्ला देख रहे, चल चल गंजा बच्चा हट जाते हैं। अब जो है स्टूल की सफाई का मौका ठीक लग गया, उन्हें सीढ़ी उठा के लाओ फिर लगाओ। ये तो किसकी हाइट क्या है, मेरा हाथ जाएगा नहीं जाएगा, चेक करता हूँ। ये मैं खड़ा हो गया स्टूल पर और अब मेरा हाथ ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, काम बन गया भाई, काम बन गया। अब सफाई हो रही है, पाक पाक पाकिस्तान, साफ साफ पाकिस्तान। ओए होए ये नजर आया जाला, इसको साफ करना पड़ेगा। कमरे की सफाई हो गई, ये देखो यार ये पूरा पूरा चमका दिया, पूरा चमका दिया आज सफाई वाले मैंने। अब जो दूसरे कमरे में चल लो, दूसरे कमरे की सफाई करनी है, फिर ये कॉमन की भी करनी है भाई, कॉमन की भी करनी है। और जो नीचे तो कद हो रहा है यार, अब ये वाले कमरे की बारी, ये हमारा अपना कमरा है, इसकी भी सफाई करनी है। अब पंखा भी गंदा हो रहा है, सब कुछ भी गंदा हो रहा है। चलो इसकी सफाई स्टार्ट करते हैं। ये आपने कौन सी चादर बिछा दी यार यहाँ पे? अच्छा अच्छा वो लाइट कलर है इसलिए वाली बिछा दी आपने, चलो ठीक है। अभी आप मुझे आप जाले बताओ, अंधेरे में सब जगह है, सब जगह सब जगह है, ओए सब जगह अंधेरा हो रहा है। चलो यार लाइट चला लेते मोबाइल की, लॉक को रोक के। ओए होए यार देखो मट्टी देखो क्या हालत हो गई है, थोड़ी सी देर के अंदर जो है ना ये पसीने, ओए होए इस वाले हाथ पे भी, और जो है ना फुल टाइट हालत हो गई है। लेकिन यार बहुत ज़्यादा जो है ना गर्द को बाहर मिट्टी जमा, टाइम नहीं मिल पाता ना यार, टाइम जो है ना ख़त्म हो गया हमारी ज़िंदगी में से। टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल नहीं रहा है कि बंदा घर में कुछ कर ले, और जब करने का मौका मिलता था फिर जाहिर सी बात है इतनी मिट्टी तो निकली। हालांकि ये ईद के बाद क्या था, छोटी ईद के बाद भी किया था, बड़ी ईद के बाद भी किया था, लेकिन फिर भी 1-2 महीने में इतनी मिट्टी। और लॉ अभी कॉमन बाकी है, कॉमन करना है, और जो है ना पूरा घर फैला, पूरा घर मैश हुआ लगे लगे ना, कोई देखता था उसको बहुत कम है। मैंने कहा उसको बता रहा, उसके पीछे भी देखो यार जाले की हालत क्या हो रही है, नहीं है लड़की बिल्कुल, इस्तेमाल भी बहुत कम है इसकी हालत। पूरी उसको भी उतार लो, इसकी भी जो दिन खड़ जाता है, ये पूरी हालत हो सफाई का। यहाँ पर भी जाले हैं, वहाँ पर भी जाले, जा रहे ही जाले। चलो इसको भी सफाई कर लेते हैं। और इसके बाद क्या बाकी भाई? कॉमन। हाँ इसके बाद कॉमन बाकी है।
चमका दिया मैंने, दोनों कमरों को चमका दिया। अब जो है ना कॉमन की बारी है, अब कॉमन चमकाने की बारी, लेकिन कॉमन में नजर कुछ भी नहीं आ रहा। जाले तो जाल लूंगा लेकिन लाइट नहीं है, उसकी वजह से मुझे मोबाइल की जालियाँ, अच्छा ये जालियाँ मोबाइल की लाइट में ही थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। ब्लॉग भी तो बनाना है यार, वरना आज का ब्लॉग रह जाएगा। आप सीढ़ी अंदर लेकर आ गए, मैंने कहा यार कॉमन के, कॉमन की हाइट बहुत है, मैंने कहा कॉमन में ब्लॉग बना लूंगा। स्टूल दे रही हो अबे यार, रस्सिया रस्सिया बांधनी है, कहाँ लेके जाऊँ सीढ़ी को, समझ ही नहीं आ रहा। बारिश की वजह से बंदी नहीं है, बारिश क्या टाइप हो रहा है, ये लो पौने पांच हो रहे, नीचे डाल दो, पौने पांच हो रहे हैं। और जो है ना मुझे बाल भी कटवाने जाना है अभी, हाँ तो कटवा लेना, वहां पर भी जाके आधा दिन ही खत्म हो जाएगा। पहले पहले ऊपर की झाड़ दे जाले, फिर बाद में हाँ। मौसम बन गया है जबरदस्त, किस्म का मौसम बन गया है। मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने के लिए और जबरदस्त मौसम बना हुआ है, ऐसा बरसेगा मुझे लग रहा है, जबरदस्त बरसा बरस जाएगा, हवा भी बहुत जबरदस्त। मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने के लिए, हालत बहुत खुश हो गई है, मैंने कहा चलो बाल बाल कटवा लेते हैं आप, बाल कटवा के आपसे बात कर रहा हूँ। किस्म की बारिश, धुआंधार बारिश स्टार्ट हो गई है, धुआंधार बारिश, हवाओं के साथ सब भाग रहे हैं, बहुत तेज बारिश, बारिश से जो है सब जो है निज़ाम बिल्कुल आउट हो गया, कुछ पानी वानी भर गया, और अभी भी हवा चल रही है और जो है बारिश अभी भी तेज़ हो रही है, सब चीज़ें हिलना शुरू हो गई हैं, कोई पोल हिल रहे हैं, दरख्त हिल रहे हैं, और सब जो है सब सब ज़बरदस्त बारिश हो रही है। अगर इसी तरह एक घंटे बारिश होती रही तो जो इंतज़ाम जो है ना बिल्कुल आउट हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। लेकिन देखो अब वापसी आए हैं तो पूरा जो है जाते वक्त जो है बारिश मतलब आसार हो रहे थे और फुल ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है और जो है ना सब कुछ गीला हो गया, पानी जमा हो गया काफ़ी। अब बाल कटवा लिए, फिर घर जा रहा हूँ।